गाइस आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अल्लाह के हुक्म से ठीक होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग किया है नए दिन के साथ, नया व्लॉग स्टार्ट। और आज हम लोग जो आए हुए हैं भैंस कलोनी, और मेरे साथ जो हैं यहां पर दानिश भाई हैं और जो हैं अनस भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो दानिश भाई, अभी हम लोग आ गए हैं भैंस कलोनी, तो अपने नाजरीन को ये भी सारी चीज़ें दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या रेट है। कल हम स्माइल गोड से तो वहाँ के भी जानवर देखे थे, और आज हम लोग भैंस कलोनी की तरफ आए हैं, तो यहाँ पर भी देखते हैं किस तरह यहाँ पर जानवर फरोख्त हो रहे हैं और किस तरह से यहाँ की मंडी चढ़ी हुई है, मतलब सस्ती है या महंगी है, वो भी आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो चलें फिर दानिश भाई आगे की तरफ आ जाइए। वो जानवर आपको पसंद आ रहे हैं? बहुत माशाल्लाह, बहुत प्यारे जानवर हैं ये, खूबसूरत जानवर हैं और काफी वेट वाले लग रहे हैं। भाई के हैं, अस्सलामुअलैकुम। हाँ भाई जी, नाम क्या है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम भाई, अब्दुल रहीम भाई, ये कितने दांतों में जानवर? दो दांत में। बछड़ा है? बछड़ा। इसके क्या पैसे मांग रहे हैं आप? एक लाख नब्बे हजार रूपए। अगर इसको फाइनल कितना हो जाएगा ये बताए? 5,000 कम दे दें। 5,000 रूपए कम दे दें, तो उसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं है इसके अंदर? तो आप कहाँ से आए? सिंध से लेकर आए? पंजाब से? कहाँ से जानवर लेके आए? पंजाब से जी। तो ये मतलब कितना वजन होगा आपका, अंदाजा क्या कहते हैं? अंदाजा मेरे को पता नहीं, अंदाजे का पता नहीं, अंदाजे का पता नहीं है, लेकिन जानवर माशाल्लाह खूबसूरत है। भी आप कही है? ये इनका नहीं है। चलो, इसकी खिलाई पिलाई खुद करिए, खुद पाला है या खरीद कर लेकर आए? खरीद के लेकर आए। यहाँ पर खूब रश लगा हुआ है आज बेहतरीन तरीके से, तो देख रहे हो उस तरफ दानी पे, वहाँ की तरफ। माशाल्लाह ये भैंसा खड़ा हुआ है, भैंसा बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, इसका वजन भी बहुत ज्यादा है। कितना वजन होगा चाचू से मालूम करो, कितना वजन होगा? चाचा जी, ये वजन में कितना होगा? ये 20 मन से तो ऊपर ही, 20 मन से तो ऊपर होगा चाचा, ये 20 मन से ऊपर ही होगा। ये दांतों में कितना है चाचा जी? 6 दांत है। तो इसके क्या पैसे मांग रहे हैं? 5 लाख। 5 लाख रूपये इसकी डिमांड कर रहे हैं? ये जानवर बहुत प्यारा है, बछड़ा जो है ना, सही मानों में जो है ना जबरदस्त है। और ये देखो, ये भाई दिखा रहे हैं ये दो दांत का, और इनका जो है सौदा भी यहाँ बन रहा है। तो ये मालकान अभी जरा मसरूफ है, ये जैसे ही इनसे जरा फारिग हो जाते हैं तो फिर इनसे मालूम करेंगे ये क्या डिमांड कर रहे हैं। सौदा बन रहा है दानिश भाई, सौदा बन रहा है। बड़ा जानवर ना, बहुत प्यारा है भाई। कितने दांत का है ये? दो है। दो दांत का है जी। क्या पैसे मांग रहे हो आप इसके? 1,70। 1,70,000 रूपए इसके मांग रहे हो आप? और ये वाला जानवर? ये 2,20। 2,20,000 रूपए। ये भी दो दाते? ये कितने तक में देना चाह रहे हो उन जानवरों को? ये दो में, ये डेढ़ में। ये वाला डेढ़ में आप दे दोगे और ये वाला दो में दे दोगे? अगर कोई आता है बंदा आपसे आके, हमारे चैनल के रेफरेंस से अगर आता है जी, तो आप उसके साथ कोई रियायत कर लोगे? 5,000 इसमें रियायत करेंगे। अब आपसे दुआ है कि आपका जो जानवर है ये बिक जाए। आगे की तरफ भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी देखते हैं जानवर। खूब जानवर हैं और काफी रश लगा हुआ है भी, माशाल्लाह देखो कितना प्यारा जानवर है यार। अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा जी, कितने दांत का ही है? जी 4 है। 4 दांत है इसके। क्या मोल कर रहे हैं आप? 1,20 कर रहे हैं। तो इसमें वजन कितना होगा चाचा जी? इसमें 2.5 मन वजन होगा। इसमें 2.5 मन वजन है। ये फाइनल कितने तक का देंगे आप? फाइनल 5 छोड़ देंगे, 1,15 का। फाइनल 1,15 कर देंगे आप इसके? तो मंडी में जैसे आप खड़े हुए, कब से खड़े हुए हैं आप? आज ही आए हैं या पहले, मतलब मंडी में आ रहे हैं रोज? मैंने पहले भी आता हूँ मैं। तो कैसा बाजार चल रहा है मंडी का? सही काम चल रहा है? मतलब सही है, सही है माशाल्लाह। कस्टमर आ रहे हैं, सौदे बन रहे हैं यहाँ जी जी। ये बच्चिया जो है ना दानिश भाई, बहुत पसंद आई। इसका वजन कितना होगा माशाल्लाह? वजन तकरीबन 5 मन होगा भाई। 5-5.5 मन में बच्चिया दे रहे हैं राजे भाई, जो खूबसूरत भी बहुत है माशाल्लाह। माशाल्लाह बड़े की पली हुई है यहाँ। अभी मंडी में आप कैसा, मतलब मंडी महंगी चल रही है या सही दाम पे चल रही है? मंडी तो इसका मूल होता तो ये, अगर मंडी सही चलती तो ये 5 लाख की थी भाई। मोल बोल कुछ भी नहीं है इसका, महंगाई के हिसाब से जो है ना इसका 5 लाख दाम होना चाहिए। आपने सही मुनासिब रेट रखा। और ये कितने दांत है? ये दांतों में 2 है भाई। पाली आपने? खुद हमने बाड़े की पली हुई बच्ची है अपनी भाई, अंडा बच्चा है। इसका वजन कितना होगा आपके अंदाजे? भाई 5.5 मन वजन है इसका। ठीक हो गया, हो सके तो ऊपर हो जाएगी वरना 5.5। इसका अगर पैनली को लेने आ जाए तो इसमें आप कोई गुंजाइश करेंगे? यही रेट है यार, वो 10-5-20 हम छोड़ देंगे भाइयों के साथ, बचेगी ही नहीं भाव। भैंस कलोनी की जो शान है ना वो है ये जानवर, और अल्लाह पाक जो भी ये लेकर जाए इस जानवर की कुर्बानी माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त जानवर है। ये मालकान है, उनसे मालूमात करते भी। ये कितने दांतों में है? ये दांतों में 2 है। दांतों में 2 है। इसे क्या मांग रहे हैं आप? इसके 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। इसके 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये कितने वजन के अंदर होगा? ये
ये तकरीबन होगा 800 पर है। 800 पर है इसका वजन। आप ये जानवर जो है पंजाब से लेकर आए? पंजाब से नहीं लेकर आए। नहीं पंजाब से नहीं, ये इधर कहीं बाड़े का पाला, इधर का बाड़े का पाला हुआ। इसको आपने खुद पाला जी? उसकी क्या खिलाई पिलाई करी हो? ये खूबसूरत जानवर आपने ये बनाया अलग, ये देसी घी हो गया, वंडा हो गया जी। बचपन में दूध जो गाय का भैंस का जो होता माँ का ठीक हो गया वो पिलाते हैं। और इसका अगर फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए फाइनली जो है 8 लाख रुपए हो जाएगा जी। माशाल्लाह इसका वजन कितना होगा? 800 पर। अल्लाह ताला नसीब करे जो भी ले भाई, इसके ऊपर बहुत जबरदस्त। अनस भाई भी साथ है, अनस भाई से मालूम करो जानवर आपको। भाई जानवर बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत पसंद आ रहे हैं जानवर। मेरा दिल तो कर रहा है इसे एक कोई लेकर जाऊं जानवर। अंदर की तरफ चलते हैं। हाँ हमें अंदर जाना चाहिए। नाजरीन को भी बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो जानवर हैं और मंडी किस हिसाब से चल रही है, हमें कस्टमर लेकर सौदे बन रहे हैं किस हिसाब से, सारी चीजें आपको बताते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, चलते। भैया कितने रात में आई है? दो रात में। दो रात में माशाल्लाह, छोटा जानवर है, दो रात में। इसके क्या पैसे मांग रहे हैं? 1.5 लाख। इसके 1.5 लाख मांग रहे हैं। कितना वजन होगा? वजन में कितना है? वजन का है 2 मन होगा। 2 मन का जानवर है यार? 2 मन के यार भैया पैसे ज्यादा नहीं है? 1.5 लाख रुपए। खूबसूरती का है अभी भाई, यार खूबसूरती का है, फिर भी जानवर छोटा है ना? खूबसूरती जानवर छोटा है तो क्या हुआ? अच्छा एक बात बताएं, चलें सब जोड़े, ये बताएं फाइनल कितने में जोड़ेंगे अभी? फाइनल 30 तक छोड़ेंगे। 1,30,000 में? 1,30,000 में भाई छोड़ देंगे जानवर। जानवर भी बहुत प्यारा लग रहा है, देखो ये तो इनका, ये भी आपका है भी जानवर, देख भाई खूबसूरती तो है। भाई जान ये कितने दांतों में? ये भी 2 दांत दे। ये इसके क्या मांग रहे हैं? 2,40। 2,40,000 रुपए मांग रहे हैं। 2,40,000 तो कितना वजन होगा इसका? इसका ये 1.25 में होगा। देखे जी खूबसूरत जानवर है यहाँ पर जो है ना मंडी के अंदर। जानवर तो वैसे कुर्बानी के लिए तो हर बंदा वजन के हिसाब से देख रहा है को कैसे, लेकिन अभी वजन का हिसाब नहीं होगा, अभी जानवर का हिसाब होगा, खूबसूरती का हिसाब होगा, अभी वजन का हिसाब नहीं होगा। सही बिल्कुल भाई। इसका फाइनल कितना हो जाएगा? इसका फाइनल होगा 1.90 तक फाइनल होगा। 1.90 में आप इसको दे देंगे? हाँ। 2 दांत। कितने दांतों में आपका? 2 दांत है भाई। भाई क्या पैसे मांग रहे हैं इसके? 1.5 लाख मांग रहे हैं। इसके 1.5 लाख मांग रहे हैं। ये फाइनल कितने में हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा 1,20 का। भजन कितने में लिया आपने? 1,10 में लिया। 1,10,000 रुपए में लिया है आपने? माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 दांत का है? 2 दांत। बछड़ा है? बछड़ी है, 2 दांत की है। माशाल्लाह जी ये लिए 1,10,000 रुपए में। 1,10,000 रुपए का भाई का ये सौदा बनाया था। 3 मन की बछड़ी है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर हम मंडी तो घूम रहे हैं, काफी रश है, जगह ही नहीं है जाने की और आने की। अभी हम लोग जो है इतने जानवर दिखाए और मजीद और भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ जानवर उतर रहे हैं और माशाल्लाह जो है ना किसी का सौदा बन रहा है किसी का नहीं बन रहा है, लेकिन ये की यहाँ सौदा बन रहा है। मालूम करते हैं कितने कितने के। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई ये जानवर आपके ही है दोनों? कहाँ से लेकर आप? पंजाब से? सिंध से? कहाँ से लेकर आप? पंजाब। पंजाब के? तो भाई ये 2 दांत है, क्या मांग रहे हो? दोनों का जोड़ी बेच रहे हो? दोनों के क्या मांग रहे हो? 3,20,000। 3,20,000 भाई, 3,20,000 रुपए की जोड़ी है। कितना वजन होगा? 6.5 मन। 3.5 मन होगा। 3.5 मन है। और इसका क्या वजन है? 6 मन। 3 मन तकरीबन 5, 5.5, 6 मन के करीब। और कितना मांग रहे हैं भाई जोड़ी का? 3,20,000। इसमें कोई कमी पेशी होगी या बस यही है? होगा। जोड़ तोड़ है भाई? इसमें जोड़ तोड़ भी है, कोई भी ले अगर जोड़ी है। यहाँ पर मंडी में छोटी सी पीढ़ी में खड़े हुए हैं। यहाँ पर पीछे जानवर जो आपको नजर आ रहा है कैसा है भाई ये जानवर? माशाल्लाह जानवर बहुत प्यारा है इनके पास। ये नस्ल देखने में बहुत कम मिलती है, ये बेसिकली पंजाब के अंदर ये पाई जाती है या कराची में, बहुत मुश्किल है, कम जानवर ये आता है। और इनके जो है ना मालकान से भी मिलते हैं, वो भी यहीं पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आपका क्या नाम है? नासिर। नासिर भाई, नासिर भाई आपका जो जानवर खड़ा हुआ है ये कितने दांतों में? ये 4 दांत है। ये 4 दांत जानवर है आपका, तो इसका क्या मोल कर रहे हैं आप? इधर 5.5 लाख। 5.5 लाख रुपए। तो ये फाइनल इसकी बात कितने में हो जाएगी? ये 5,20 में होगी। फाइनल 5,20,000 रुपए। अंदर कितना वजन है नासिर भाई? 6.5 मन है वजन। 6.5 मन वजन है। और वजन तो भाई वजन की अहमियत नहीं होती, लेकिन खूबसूरती में जो है ना ये अपने बहुत दिल से पाला है, घर का पला हुआ जानवर है। और नासिर भाई तुसी कितों लाए गए? पंजाब चो या पंजाब चो जी? पंजाब चो आया जानवर। हाँ जी, माशाल्लाह इनू खुद ही पालिया? खुद ही पालिया जी। लाडा नाल पालिया? बहुत प्यार नाल।
खिलाई पिलाई की? हाँ जी एंदी खिलाई पिलाई मतलब एनु की खिला के वड्डा कीता माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हुक्म दित्ता एनु दूध पिउंदे रहे जी उस तो बाद एनु दलिया पाउंदे कणक दा दलिया कणक बस यही पाया सी और कोई चीज नहीं बाकी जिवें तूड़ी घाव हैगा ओ हां जी बिल्कुल बिल्कुल और माशाल्लाह जी अल्लाह ताला कबूल करे जो भी ये लेकर जाए भूखे जानवर आपका पीके आपने लाडो से पाला हुआ है जानवर खड़ा हुआ ये भी आपका ये सारे आप ही के जानवर ये भी हमारे सारे जानवर कितने मन का होगा ये जी 10 मन का होगा इंशाल्लाह 10 मन का है जी माशाल्लाह तो ये भी ये पंजाब का है कौन जी, सी पंजाब का जी हाँ जी ये कौन सी नस्ल है केड़ी नस्ल है ये चोलस्तान के इलाके चोलस्तान का भाई ये चोलस्तान का है बछड़ा और माशाल्लाह जो है ना 10 से 12 मन वजन है आसर भाई माशाल्लाह ये जितने जानवर हैं आपका इनका हाँ जी हाँ जी बाकी ये है कि जैसे ये जानवर है आपका जी इसका अगर कोई रेट में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर लेंगे जी कोई आएगा तो कर लेंगे ऐसी कमी है हाँ जी हाँ जी कर लेंगे कमी तो चलो भाई ये वीडियो देख के अगर ये जानवर किसी को पसंद आता है तो मैं भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में मैच कर दूंगा आपने जरूर कॉल करके यहाँ पहुँचना है और ये जानवर जिसको पसंद है वो ले जाए बहुत लाडो से पाला हुआ है भाई जानवर मंडी का विजिट भी किया भैंस कलोनी का शहजादा पीछे भी खड़ा हुआ है अल्लाह ताला कबूल करे लेकिन भाई बहुत अच्छे जानवर हैं और हर किसी का भाई जिसने जो चीज़ पाली है साफ दे रहे उसका अपना रेट भी है लेकिन जिसका जो नसीब है ऊपर नीचे होकर सोते यहाँ पर बन रहे हैं तो भाई फिर हमें दें इजाज़त हमारी वीडियो फिर आज वीडियो हमारी यही था कि जहाँ रहे खुश रहे अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ वालदेन के साथ हमें दें इजाज़त पाकिस्तान अल्लाह हाफिज़।